ये चीज हो गया आई वन आई टू, टू रूट अंडर आई वन आई टू देन कॉस फाई। फाई क्या बोले थे, फाई को हम लोग क्या बोलते हैं, फाई इज एक्चुअली इसका नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड एंगुलर, एंगुलर फेज डिफरेंस। और फाइ इक्वल टू क्या होता है, फाइ इक्वल टू है टू पाई डेल्टा एक्स वाई लैम्डा, दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ फाइ। ठीक है, यहां पे डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स मतलब हो गया पाथ डिफरेंस। तो यहां तक हम लोग इस चीज के बारे में चर्चा ठो किए थे। ठीक है, आई एवरेज इक्वल टू, समझ लो अगर मेरा ये केस हुआ आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट अंडर आई वन आई टू, दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज रूट अंडर आई वन प्लस रूट अंडर आई टू इसका होल स्क्वायर। तो इसको ये लिखा जा सकता है एज दिस इज इक्वल टू के ए वन आर एम एस का स्क्वायर, सो दिस इज एक्चुअली आई वन इसका रूट प्लस सो इसका स्क्वायर। अब यहां से अगर हम लोग रूट के को दोनों से बाहर लाते हैं और उसका होल स्क्वायर होता है तो दिस विल बी के, एंड अंदर में देखो ये क्या रह जाएगा, इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि आई एवरेज इक्वल टू एक तो हो जाएगा रूट आई वन प्लस रूट आई टू इसका होल स्क्वायर। कब होगा ये, व्हेन, ये तभी होगा जब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि मेरा कॉस फाई का जो वैल्यू है, कॉस फाई का वैल्यू यहाँ पे प्लस वन लिए, तो अगर कॉस फाई का वैल्यू प्लस वन हो गया तो मेरा आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट अंडर आई वन आई टू कॉस कॉस फाई का वैल्यू वन है, इसका मतलब आई एवरेज का वैल्यू ये आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे समझने में सुविधा कैसे होगा कि आई वन इक्वल टू अगर आई टू होता है, मान लेते हैं कि दोनों जो सोर्स है दोनों का सेम इंटेंसिटी है। ठीक है, दोनों सोर्स का अगर सेम इंटेंसिटी है एंड दैट इज इक्वल टू से आई, आई वन इक्वल टू आई टू इक्वल टू आई नॉट पकड़ लेते हैं आई नॉट। ठीक है, इसका मतलब है कि आई एवरेज दोनों वेव का गिरने से जो आई एवरेज होगा दैट विल बी रूट अंडर आई नॉट प्लस रूट अंडर आई नॉट इसका होल स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू टू रूट अंडर आई नॉट इसका होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू फोर आई नॉट। देखो अब यहां पे क्या चीज तो समझ में आ रहा है कि अगर दो टू वेव इंटरफियर कर रहा है, दो टू वेव, दो वेव का क्या इंटेंसिटी है, आई नॉट करके इंटेंसिटी है, इसका भी आई नॉट इसका भी आई नॉट। क्या बोले थे पिछले क्लास में, क्या बोले थे कि आई एवर इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, ये कौन सा केस में होता है, इनकोहियरेंट सोर्स का केस में, दोनों का सिंपल इंटेंसिटी का एडिशन होता है, मिलेगा ना लॉस मिलेगा, तो वो कौन सा केस में होगा, जब ओमेगा वन व्हेन ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा टू, दैट मीन्स व्हेन द सोर्सेस आर इनकोहियरेंट, तो उस केस में होगा ये। लेकिन जब भी कोहियरेंट सोर्स लेते हैं तो ये वाला कंडीशन ड्रॉ आ जाता है, तो हम लोग कोहियरेंट सोर्स से यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, कोहियरेंट सोर्स से हम लोग को काम करना है। सो उसमें क्या आ जा रहा है कि अगर दोनों दोनों सोर्स का इंटेंसिटी आई नॉट करके है तो अल्टीमेट दोनों जब कॉम्बाइन हो रहा है तो यू आर गेटिंग इंटेंसिटी ऑफ फोर टाइम्स आई नॉट, इसका भी इंटेंसिटी आई नॉट, दूसरा सोर्स का भी इंटेंसिटी आई नॉट, दोनों अगर मार्ज होगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी टू आई नॉट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आ रहा है फोर टाइम्स ऑफ ए सिंगल
सिंगल सोर्स का जितना इंटेंसिटी है उसका 4 गुना इंटेंसिटी हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। तो ये कब होगा, जब मेरा कॉस फाई का वैल्यू प्लस वन होगा तब ये फेनोमेना तो होगा, ठीक है। सो दिस केस, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड, ये वाला जो केस है दिस इज कॉल्ड कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। ठीक है, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। तो कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, दिस इज एक्चुअली कमिंग अंडर कोहियरेंट सोर्स का जो इंटरफियरेंस है उसके अंडर में आ रहा है। अगर इनकोहियरेंट है तब तो सवाल ही नहीं उठता कि कॉन्स्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर इनकोहियरेंट सोर्स है देन यू विल ऑलवेज गेट आई एवरेज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, देर विल बी नो दिस टर्म, ये वाला टर्म नहीं रहेगा, ठीक है। कॉस फाई वाला टर्म, टू रूट अंडर आई वन आई टू कॉस फाई, दिस टर्म विल नॉट बी प्रेजेंट। इसके लिए होना चाहिए कॉस फाई इक्वल टू वन होना चाहिए, दैट मीन्स फाई इक्वल टू टू एन पाई होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे तो फाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, टू एन पाई, जहां पे एन का वैल्यू क्या हो सकता है, जीरो वन टू थ्री सो दिस, ठीक। सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन, क्योंकि अगर फाइव का वैल्यू मतलब एन का वैल्यू जीरो भी हुआ तो मेरा कॉस जीरो का वैल्यू भी वन आएगा, ठीक है। कॉस टू पाई का वैल्यू भी वन आएगा, कॉस फोर पाई, ये सभी वन आएगा, ठीक है। लेकिन फाई क्या है, हम लोग का फाई क्या चीज पकड़े थे, कॉस फाई का जो फाई है, दिस फाई इज एक्चुअली टू पाई डेल्टा एक्स बाय लैम्डा। ये फाई क्या है, फाई इज दिस एंगुलर फेज डिफरेंस, टू पाई डेल्टा एक्स बाय लैम्डा, सो दिस शुड बी इक्वल टू टू एन पाई, ये होना चाहिए। तो यहां पे जो है टू पाई और यहाँ पे 2 पाई कैंसिल हो रहा है, तो इसका मतलब वही चीज आ रहा है घूम फिर के कि डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। इसका मतलब है कि पाथ डिफरेंस जो है, ये पाथ डिफरेंस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, जो हम लोग पहले ऐसे डिस्कस किए थे, थोड़ा सा पिक्टोरियली डिस्कस किए थे कि देखो अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा का आगे पीछे अगर वेव रहेगा तो कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। हाँ, प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, उसको तस्वीर दिखा के डिस्कस किए थे, ठीक है, कि अगर कदम से कदम मिलाते हुए आ रहा है लेकिन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा का अगर डिफरेंस है तो दोनों जब वेव ओवरलैप होगा तो क्रेस्ट विथ क्रेस्ट, प्रो विथ प्रो, ये इफेक्ट आएगा। ओके, सो यहाँ पे एन का वैल्यू हम लोग कहाँ से ले सकते हैं, जीरो वन टू थ्री एंड सो वन, सो दैट मीन्स दिस इज द कंडीशन। ओके, सो ओके, तो ये समझ में आया, टू रूट अंडर आई वन आई टू। तो ये कब होगा, व्हेन दिस कॉस फाई, व्हेन द वैल्यू ऑफ दिस कॉस फाई विल बी इक्वल टू माइनस वन। तो जब कॉस फाई का वैल्यू माइनस वन हो गया, क्योंकि यहां पे एक तो कॉस फाई था, तो कॉस फाई का वैल्यू अगर माइनस वन हुआ तो ये चीज आएगा, विच इज एक्चुअली इक्वल टू रूट अंडर आई वन माइनस रूट अंडर आई टू, इसका होल स्क्वायर, सो दैट कैन बी रिटन एज के बाहर में एंड दिस इज एक्चुअली ए वन इसका आर एम एस माइनस ए टू इसका आर एम एस, ऐसा हो। तो यहां पे क्या हो जा रहा है कि रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर, ये चीज तो आ जा रहा है। अभी अगर मान लेते हैं कि I1 वन इक्वल टू आई टू, इफ I1 वन इक्वल टू आई टू इक्वल टू से I नॉट, तो एक्चुअली तुमको I एवरेज इस केस में क्या मिलेगा, I एवरेज विल बी, अब देखो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर I नॉट माइनस रूट अंडर I नॉट, अब इसका होल स्क्वायर, दैट मीन्स यू विल गेट एब्सोल्यूट जीरो, नो इंटेंसिटी। दैट मीन्स अगर दोनों सोर्स का मेरा इक्वल इंटेंसिटी है
इक्वल इंटेंसिटी है दोनों सोर्स का और दोनों को जाके इंटरफियर करता है, एंड वी कैन गेट ए ब्लैक स्पॉट। हम लोग को एक तो ब्लैक स्पॉट भी मिल सकता है, ठीक है, एकदम टोटली डार्क, मतलब जिसमें इंटेंसिटी जीरो है थियोरिटिकली। तो दो लाइट जिसका इंटेंसिटी अच्छा खासा है, दोनों अगर इंटरफियर किया सो यू कैन गेट ए ब्लैक स्पॉट ऑल्सो, ठीक है। सो ये कब होगा, जब कॉस फाई का वैल्यू -1 होगा, ये चीज होगा। तो आई एवरेज 0 भी आ सकता है, मतलब फाइनल जो इंटेंसिटी है उसका एवरेज वैल्यू जो है वही हम लोग को आंख में वही चीज दिखेगा, क्योंकि हम लोग आंख से जितना भी कम टाइम के लिए देखते हैं सो इट इज ऑलवेज द एवरेज वैल्यू। ओके, सो इसका मतलब ये पूरा डार्क स्पॉट दिखेगा, सो दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। तो दिस कॉस फाई शुड बी इक्वल टू -1 होना चाहिए, दैट मीन्स फाई का वैल्यू जो है, फाई का वैल्यू हम लोग इस तरह से लेंगे, यहाँ पे एन -1। क्यों क्यों इस तरह से ले रहे हैं, इसका कारण मैं बाद में बताऊंगा तुमको। इसको एन +1 इंटू 2 पाई मैं ले सकता था, ठीक है। देखो एक्चुअली अगर कॉस फाई इक्वल टू -1 है तो ये हम लोग ये ऐसे ले सकते हैं ना, 2n+, तो मैं ये भी ले सकता हूँ और ये भी ले सकता हूँ, दोनों वैल्यू में से कोई भी। जनरल सॉल्यूशन में बोलता है कि ये लो चाहे ये लो, दोनों में से कोई भी मैं ले सकता हूँ, लेकिन जनरली हम लोग ये वाला लेते हैं 2n+1 ऑड पाई। ऑड पाई में कॉस ये हो गया 0, ये ऑड पाई, तो ऑड पाई में कॉस का वैल्यू -1 होगा, फिर ये हो गया 2n पाई, फिर +1, फिर ऑड पाई, फिर -1। तो ऑड पाई, जब भी ऑड पाई होगा कॉस पाई का वैल्यू, तो ऑड नंबर हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 2n+1 इंटू पाई और 2n-1 इंटू पाई। अब यहाँ पे ये माइनस क्यों प्रेफर कर रहे हैं, तो यहाँ से 2 को अगर बाहर कर लेते हैं तो दिस विल बी एन -1, और 2 को बाहर कॉमन ले लिए तो इसको ही इस तरह से लिखे एन -1 इंटू 2। अब इस तरह से सुविधा क्यों है मैं बता रहा हूं, बिकॉज एन का वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं होगा, और थोड़ा सा हम लोग को यंग्स डबल स्लिट के साथ इसका ब्राइट जोन का जो नेम है, समझ लो फिफ्थ ब्राइट जोन, तो फिफ्थ डार्क जोन, तो फिफ्थ डार्क जोन में एन का वैल्यू 5 बैठे, या फिर फर्स्ट डार्क जोन में एन का वैल्यू 1 बैठे, सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस अरेंजमेंट, मिले याद रखने में थोड़ा सुविधा हो। अब फाई इक्वल टू क्या है, फाई इक्वल टू 2π Δx बाई लैमडा, सो दिस इज इक्वल टू n-1 इंटू, तो यहां पे भी 2π और 2π इज कैंसल्ड, सो वी आर गेटिंग Δx इक्वल टू, सो Δx इक्वल टू n-1 इंटू लैम्डा। अब यहाँ पे n का वैल्यू कहाँ से कितना कहाँ से शुरू कर सकते हैं हम लोग, n का वैल्यू 0 से यहाँ पे शुरू नहीं होगा। अब क्यों मैं बता रहा हूँ, एज बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक सेंट्रल डार्क जोन, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। 0 इज यूज्ड फॉर सेंट्रल सेंट्रल ब्राइट जोन, सो n का वैल्यू 0, ठीक है। लेकिन जब भी डार्क जोन का बात आता है तो डार्क जोन लेकिन कभी सेंट्रल में नहीं होता है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे एन का वैल्यू हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे। मतलब जब भी यंग्स डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट होता है तो उसमें क्या होता है, देखो कि सेंटर में क्या होता है, सेंटर में देयर इज ए ब्राइट जोन, एंड देन समझ लो ये ब्राइट है, उसके बाद यहाँ पे डार्क जोन है, दिस इज डार्क, दिस इज डार्क, देन अगेन ब्राइट, सो दिस इज डार्क, सो अगेन दिस इज ब्राइट। तो ये जो है दिस इज एक्चुअली सेंट्रल, ये एकदम सेंट्रल पार्ट है, ठीक है। अब सेंटर में हमेशा ब्राइट ही होगा, सेंटर में डार्क कभी नहीं होगा, तो इसलिए जब डार्क जोन कहाँ पे होगा, डार्क जोन विल बी दिस इज फर्स्ट डार्क जोन, वी कैनॉट से दिस इज सेंट्रल डार्क जोन, ऐसा नहीं बोल सकते, ये वाला भी लेकिन फर्स्ट डार्क जोन है, ठीक है। तो मैं इस चीज को समझाने के लिए कि दिस इज एक्चुअली द सेंट्रल,
दिस इज एक्चुअली ब्राइट जोन। सो ब्राइट जोन हमेशा सेंटर में होगा एंड डार्क जोन विल स्टार्ट फ्रॉम वन, सो दैट्स वाई एन इक्वल टू वन टू थ्री एंड सो ऑन। इससे हम लोग का सुविधा यहाँ पे होगा। ये दो ठो डिफरेंट इंटेंसिटी का लाइट बट कोहेरेंट, ठीक है, दो ठो अलग अलग इंटेंसिटी का है बट दे आर कोहेरेंट, कोहेरेंट सोर्सेस। अगर ये दोनों एक के ऊपर दूसरा को हम लोग गिराते हैं तो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंड द मिनिमम इंटेंसिटी, व्हाट विल बी द रेशियो। तो जनरली दे आस्क फॉर द रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि दोनों को अगर ये और ये दोनों वेव अगर मीट कर रहा है तो आई मैक्स बाई आई मीन, देखो एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, के रूट अंडर, सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, के ये वैल्यू तो होगा। तो अभी दोनों केस में के जो है दैट इज एक्चुअली कॉन्स्टेंट, तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली रूट अंडर आई वन प्लस रूट अंडर आई टू इसका होल स्क्वायर। अब रूट अंडर आई वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज इसका स्क्वायर रूट, दैट मीन्स टू प्लस 64 का स्क्वायर रूट दैट इज 8 एंड दिस इज 2 माइनस 8 सो 100 बाई माइनस 6 का स्क्वायर दैट इज 36 सो द रेशियो इज 25:9 ड्यू टू दिस टाइप ऑफ वेव फ्रंट का कोलिशंस, वेव फ्रंट एक दूसरे से टकरा रहा है, सो दैट्स वाई व्हाट यू विल गेट कि इसका सेंटर में यू विल गेट सम टाइप ऑफ ब्राइट और डार्क जोन इस तरह से। तो इसका हिसाब कैसे करेंगे हम लोग, इस तरह से तो नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ तस्वीर दिखाने के लिए कि एक्चुअली वेव फ्रंट बन रहा है, सो दैट्स वाई इस तरह से टकरा के इट इज फॉर्मिंग ऑल्टरनेट डार्क जोन एंड ब्राइट जोन। ये हम लोग टॉप व्यू से देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस स्क्रीन में कैसे दिखेगा, सो यहाँ पे सेंटर में देखो दिस इज एक्चुअली ब्राइट जोन, उसके बाद ये फर्स्ट डार्क जोन, सो यू कैन से दिस इज एज फर्स्ट डार्क जोन। तो सेंट्रल में सिर्फ ब्राइट जोन होता है, दिस वन इज फर्स्ट डार्क, दिस वन इज फर्स्ट डार्क एंड इस साइड वाला भी फर्स्ट डार्क जोन है, ठीक है, इधर वाला भी फर्स्ट डार्क जोन है, ठीक है, फर्स्ट डार्क, इधर भी फर्स्ट डार्क, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड फर्स्ट ब्राइट जोन। ये सेंट्रल ब्राइट जोन है बट दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ब्राइट जोन। सो दिस एक्चुअली कॉरेस्पॉन्ड्स टू एन इक्वल टू जीरो। हम लोग क्या करते हैं, यहां से सेंट्रल ब्राइट जोन का जो सेंटर है, सेंट्रल ब्राइट जोन का जो सेंटर है उससे कोई भी हाइट को, समझ लो हम लोग ये वाला हाइट को मेजर करेंगे, सो दिस इज जनरली डिनोटेड एज वाई एन, ठीक है। सेंट्रल ब्राइट जोन का जो सेंटर है इससे कोई भी हाइट, मतलब ऊपर हो चाहे नीचे हो, लेकिन जनरली हम लोग ऊपर में इसको पकड़ते हैं, सो दिस इज डिनोटेड एज वाई एन, ठीक है। मतलब जैसे वाई एन अभी किसको दिखा रहा है, दिस इज सेकेंड डार्क जोन को दिखा रहा है, ठीक है। सो दिस वाई एन का वैल्यू क्या होगा ये हम लोग को देखना पड़ेगा, उसको हम लोग यंग्स डबल स्लिट में देखेंगे। सेकेंड थिंग इज देखो सभी का विड्थ सेम सेम है, ओके, तो एक तो डार्क प्लस एक तो ब्राइट ये पूरा को लेके, सो दिस टोटल सिस्टम दिस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, दिस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ कहां से लेके कहां तक है, यहां से लेके यहां तक, सो दिस इज एक्चुअली फ्रिंज विड्थ। एक तो डार्क जोन और एक तो ब्राइट जोन पूरा लेके जो आता है दैट इज एक्चुअली फ्रिंज विड्थ। ऐसा नहीं देखिए सिर्फ डार्क जोन का जो पोर्शन है दिस इज फ्रिंज विड्थ, ऐसा नहीं है,
एक डार्क प्लस एक ब्राइट दोनों को लेके जो विड्थ बनता है दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। द डिस्टेंस बिटवीन दिस डबल स्लिट वाला जो प्लेट है और जो स्क्रीन है इसके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल डी, ये दिया जाता है ठीक है। और दोनों स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज डी स्मॉल डी है, तो इसको हम लोग डी बाई टू दोनों इक्वल हाफ में ऐसे डिवाइड किए हैं। सो इससे तुम इसको ऐड कर दो, इससे इसका मिड पॉइंट को ऐड कर दो, को एक तो ऐड कर दिए, और ये दोनों में जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज डी, और यहां पे यू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर। तो यहां पे हम लोग क्या मान लेते हैं, देखो कि एस वन पी एंड इफ आई टेक दिस एस वन डैश पी, तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम सेम है, तो एस वन पी और एस वन डैश पी दीज आर मोर और लेस सेम एज बिकॉज, ऐसा क्यों है, बिकॉज दोनों स्लिट जो है ये बहुत ही करीब है और यहां से परपेंडिकुलर खींचे हैं, मतलब ये दोनों डिस्टेंस लगभग सेम सेम हो गया, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। सो एस वन डैश पी और एस वन पी दीज आर लगभग सेम, एस वन डैश पी ये दोनों हो गया सेम, और इधर एस एस डैश सॉरी एस एस वन इज इक्वल टू एस एस टू, तो ये डिस्टेंस भी इसका समान हो गया। सो द पाथ डिफरेंस इज ओनली दिस वन, सो दिस डिफरेंस इज एक्चुअली द पाथ डिफरेंस, सो दिस इज माई डेल्टा एक्स। नाउ इफ आई टेक दिस एंगल एज से फाई और थीटा वॉट एवर, अगर मेरा ये एंगल थीटा हुआ तो मेरा ये एंगल भी थीटा हो, दिस कैन बी प्रूव बाई, अच्छा ये थीटा है इसका ये 90 है इसका 90 है, तो मतलब सिमेट्री से, मतलब क्या बोला, सिमिलैरिटी से, इफ दिस इज थीटा देन दिस इज थीटा, तो इसका मतलब ये जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू डी साइन थीटा। सो बेसिकली डेल्टा एक्स इक्वल टू यू कैन टेक डी साइन थीटा, सो द पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू डी साइन थीटा, मतलब कितना नंबर अब तुम्हारा यहाँ पे फ्रिंज बन सकता है वहां पे, लेकिन यू रिक्वायर डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा। इन ऑल अदर केसेस वी कैन राइट डेल्टा एक्स इक्वल टू, अब साइन थीटा एज बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल सो यू कैन टेक डी साइन थीटा एज टेन थीटा। आप टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, अब ये वाला ट्रायंगल अगर देखेंगे पी ओ ये वाला, तो इसमें टेन थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, वाई एन बाई डी परपेंडिकुलर बाई बेस, सो दिस विल गिव डी वाई एन बाई डी। सो एक्चुअली डेल्टा एक्स इक्वल टू ये वाला चीज हम लोग बहुत आराम से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन सिंपल लॉजिक से, डबल स्लिट वाला प्लेट और जो स्क्रीन है, सो दिस डी इज मच मच ग्रेटर देन ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, तो तब हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। सो इट इज द मोस्ट जनरल केस, लेकिन हर समय ये दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम होगा और स्क्रीन विल बी एट लार्ज डिस्टेंस, ऐसा नहीं भी हो सकता है, सो उस समय यू हैव टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम फॉर ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज मतलब क्या, ब्राइट फ्रिंज मतलब यंग्स डबल स्लिट में जहां ब्राइट फ्रिंज हो रहा है तो वहां पे वाई एन इक्वल टू इनटू ये जो डेल्टा एक्स है, तो ये डेल्टा एक्स कैसा होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा होना चाहिए, और एन का वैल्यू कहां से शुरू होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं ब्राइट फ्रिंज कहां से शुरू होता है, सेंट्रल से शुरू होता है, तो एन विल बी फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सो ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला क्या आ गया, वाई एन इक्वल टू एन इंटू सेंट्रल
सेकेंड आर्क के बाद नेक्स्ट जो जोन आएगा दैट विल बी, देखो अब ये सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, देन सेकेंड ब्राइट, इसका मतलब ये जो सेंट्रल ब्राइट है ये जो सेंट्रल ब्राइट जोन जो है इसका सेंटर से सेकेंड ब्राइट जोन का ये वाला ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड वाई टू। सेंट्रल ब्राइट जोन का सेंटर से सेकेंड ब्राइट जोन का सेंटर तक का जो हाइट है सो दैट इज इक्वल टू, यू हैव टू पुट टू, एन के जगह में टू, देन लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, डी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा एंड स्मॉल डी भी दिया हुआ रहेगा, सो यू विल गेट व्हाट इज द डिस्टेंस दिस, कहां पे इसका सेकेंड ब्राइट जोन आएगा। सो इफ इट सेज सेकेंड ब्राइट जोन यू हैव टू पुट यहां पे ब्राइट जोन का, दिस इज एक्चुअली फॉर्मूला ब्राइट जोन्स, तो यहां पे एन को टू बैठाओगे यू विल गेट सेकेंड ब्राइट जोन का डिस्टेंस फ्रॉम हियर, यहां पे y इक्वल टू जीरो बैठाओगे यू विल गेट सेंट्रल ब्राइट फिन का डिस्टेंस, तो सेंट्रल ब्राइट फिन का डिस्टेंस सेंट्रल ब्राइट फिन से जीरो होगा, वन बैठाओगे तो फर्स्ट ब्राइट फिन का डिस्टेंस, सो लाइक दिस, इस तरह से इसको बनाया गया है, ठीक है। अब ये डेल्टा एक्स का वैल्यू हम लोग देखे थे कि ऐसा यहां पे था, एन माइनस हाफ इंटू लैम्डा, इससे पहले देखना ये वाला हम लोग, लेकिन यहाँ पे क्या चीज था, यहाँ पे जो था एन इक्वल टू, लेकिन इसीलिए वन टू थ्री फोर ऐसे शुरू किया गया, जीरो नहीं लिया गया था, ठीक है। अब जैसे समझ में आएगा कि इसके साथ क्यों जीरो नहीं लिया गया था, तो इसका मतलब वाई एन का जो फॉर्मूला आता है फॉर डार्क फ्रिंज और डार्क जोन, डार्क जोन के लिए वाई एन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एन माइनस वन बाई टू सो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जहां पे तुमको डार्क जोन मिलेगा। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं कि एन इक्वल टू यू हैव टू पुट वन, क्यों जीरो क्यों नहीं बैठा सकते, क्योंकि सेंट्रल डार्क जोन बोलते कुछ कुछ नहीं होता है, सो सेंट्रल इज ऑलवेज ब्राइट जोन, उसके बाद फर्स्ट डार्क जोन से चालू होता है, सो दैट्स व्हाई यू पुट एन इक्वल टू वन एट फर्स्ट, एन इक्वल टू वन से ये चालू होगा, तो यहाँ पे यू विल गेट द फर्स्ट डार्क जोन का डिस्टेंस, देन एन का वैल्यू अगर टू बैठाओगे, सपोज इफ यू पुट वाई टू इन दिस फॉर्मूला सो दैट विल गिव यू वाई टू डार्क, y2 dark equal to यहां पे 2 बैठाना है 2 माइनस वन बाई टू एंड वॉट एवर द वैल्यू ऑफ डी लैम्डा बाई लैम्डा, ये बैठा देंगे डी लैम्डा बाई डी। तो यहां पे अगर बोला है कि सेकेंड डार्क जोन, तो डार्क जोन का फॉर्मूला में एन का वैल्यू लेकिन 2 ही बैठा है, समझ रहे हो, ये सुविधा करने के लिए। अब समझ लो बोला कि सेकेंड ब्राइट जोन चाहिए, तो हम लोग देखेंगे ब्राइट जोन का फॉर्मूला क्या है, एन ओके, तो ये अगर ब्राइट हुआ तो ब्राइट का फॉर्मूला क्या है, एन डी लैम्डा बाई डी, और अगर डार्क जोन हम लोग को चाहिए तो फॉर्मूला इज एन माइनस हाफ डी लैम्डा बाई डी, सो वी आर गेटिंग द रिलेशन बिटवीन दिस डिस्टेंस और दिस इज एक्चुअली डिस्टेंस, इधर भी हो सकता है इधर भी, इधर जो करेगा उधर भी सेम ही चीज करेगा, ठीक है, ये लेकिन सेंट्रल ब्राइट जोन का जो सेंटर है उसके अबाउट इधर और इधर सिमेट्रिक रहेगा, सेम चीज रहेगा, यहाँ पे अगर फर्स्ट सेकेंड डार्क जोन है तो सेम डिस्टेंस पे इधर भी सेकेंड डार्क जोन रहेगा, ठीक है, दोनों साइड में सेम सेम होगा, मतलब एनथ ब्राइट फ्रिंज का क्या डिस्टेंस होगा, सो दैट इज एन एंड वाई एन डार्क,
तो एन प्लस वन ब्राइट जोन का क्या डिस्टेंस होगा? यहां से अगर देखेंगे तो दिस विल बी एन प्लस वन, एन के जगह में एन प्लस वन बैठ जाएगा एंड दिस विल बी माइनस एन एथ ब्राइट जोन का हो गया एन इंटू सो दिस विल अल्टीमेट गिव बीटा इक्वल टू सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रिंज विड्थ। ठीक है, याद रहे फ्रिंज विड्थ लेकिन सिर्फ ब्राइट जोन का विड्थ नहीं है, सिर्फ डार्क जोन का विड्थ नहीं है, कौन सी वन ब्राइट टू नेक्स्ट ब्राइट, सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड बीटा। आई वन इक्वल टू आई टू इक्वल टू आई नॉट होता है, मतलब दोनों स्लिट जो है, दोनों स्लिट से इंटेंसिटी जो पास करवाया जाता है दोनों ही लेकिन आई नॉट के समान ही होता है। वाई एन मतलब हो गया सेंट्रल मैक्सिमा से कितना डिस्टेंस है, तो वहां पे इंटेंसिटी क्या होगा? तो हम लोग बोलेंगे देखिए इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज आई एवरेज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट अंडर आई वन आई टू कॉस फाइव, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। सो दिस विल बी आई नॉट प्लस आई नॉट, क्योंकि दोनों का इंटेंसिटी अगर सेम हुआ एंड दिस विल बी टू आई नॉट स्क्वायर, तो ये भी टू आई नॉट, ओके एंड दिस इज कॉस फाइव। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो टू आई नॉट आ रहा है, तो इफ आई टेक टू आई नॉट कॉमन देन वी विल गेट वन प्लस कॉस फाइव। ओके, अब वन प्लस कॉस फाइव इसका फॉर्मूला अगर याद होगा सो दिस विल बी टू आई नॉट इन टू दिस इज एक्चुअली टू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, वन प्लस कॉस फाइव इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, कोई भी एक पॉइंट में दैट इज एक्चुअली फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, तो ये भी जरूरी है। आई एवरेज का वैल्यू क्या होगा एट एनी पॉइंट दैट विल बी कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, लेकिन अगर वाई एन डिस्टेंस मेंटेन किया है तो वाई एन के साथ फाई को कैसे मिलाएंगे? फाई एंगुलर फेज डिफरेंस दैट इज इक्वल टू टू पाई डेल्टा एक्स बाई लैम्डा, डेल्टा एक्स इक्वल टू, अब यंग्स डबल स्लिट में सोचो डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा, यंग्स डबल स्लिट में डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा, लेकिन डी साइन थीटा में हम लोगों को वाई एन नहीं मिलेगा, सो दैट्स वाई हम लोग इसको क्या मान लेते हैं कि दिस इज अप्रोक्सीमेटली डी टेन थीटा। अब फिगर को दिमाग में लाना पड़ेगा, सो दैट इज डी टेन थीटा मतलब हो गया वाई एन बाई कैपिटल डी, सो दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स। ओके, तो इसका मतलब पहले मैं यहां पे फाई तो बैठा दूं, सो दिस विल बी इक्वल टू फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर, अब ये फाई का वैल्यू अगर मैं बैठा देता हूं तो दिस विल बी टू पाई डेल्टा एक्स बाई लैम्डा है लेकिन यहाँ पे एक टू है सो टू लैम्डा, तो टू टू कैंसिल हो गया, सो दिस गिव्स फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई डेल्टा एक्स, तो ये एक आया, लेकिन डेल्टा एक्स फिर वाई एन के साथ कैसे रिलेटेड है विद दिस रिलेशन। ठीक है, सो डेल्टा एक्स क्या है? पाथ डिफरेंस है, यंग्स डबल स्लिट में पाथ डिफरेंस क्या होता है? डी साइन थीटा, व्हिच कैन बी टेकन एज डी टेन थीटा, और अगर वो फिगर को देखेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू वाई एन बाई डी, डी मीन्स डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन, अब उसको यहां पे बैठा देना है डेल्टा एक्स के जगह में, नॉट कॉस स्क्वायर
पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स का वैल्यू है करते हैं दिस इक्वल टू 4i0 cos स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई रहने देते हैं, लेकिन हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं पाई वाई एन, देखो पाई को रखे वाई एन को रखे, और नीचे में क्या ला दिए डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। अब ये देखो डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, जस्ट इसका पहले देखना, ये एक्चुअली फ्रिंज विड्थ होता है। डी लैम्डा बाई स्मॉल डी दिस एक्चुअली इज फ्रिंज विड्थ, इट इज एक्चुअली द फ्रिंज विड्थ। तो इसका मतलब हम लोग इसको ये लिख सकते हैं कि 4i0 cos स्क्वायर सो दिस इज पाथ डिफरेंस। यहाँ पे डी साइन थीटा भी चलेगा, कुछ न्यूमेरिकल्स है जिसमें डी साइन थीटा लगेगा और किसी जगह में ये वाला भी लगेगा, ठीक है, दिस इज डेल्टा एक्स। ओके, नंबर टू जो बहुत अच्छे से याद रखना है कि फाई जो है, फाई मतलब एंगुलर फेज डिफरेंस, इसका फॉर्मूला क्या है, दिस इज एक्चुअली 2 पाई डेल्टा एक्स बाई लैम्डा। अगर ब्राइट हुआ उसका फॉर्मूला है क्या, एन इंटू डी लैम्डा बाई डी। अगर अगर तुमको चाहिए एनथ डार्क जोन का जो डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू एन माइनस हाफ यहाँ पे एन का वैल्यू कहाँ से शुरू होता है, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। यहाँ पे एन का वैल्यू कहाँ से चालू होता है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। फ्रिंज विड्थ इक्वल टू क्या हो जाता है, फ्रिंज विड्थ इक्वल टू ओनली ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो याद रखने में थोड़ा सुविधा होगा, डी लैम्डा बाई डी, सो दिस इज फ्रिंज विड्थ। तो ब्राइट जोन का पोजीशन, डार्क जोन का पोजीशन, कोई भी नंबर का ब्राइट जोन, डार्क जोन का पोजीशन एंड फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ हमेशा कांस्टेंट रहेगा फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ एंड पर्टिकुलर अरेंजमेंट। इंटेंसिटी होगा दैट कैन बी रिटन एज 4i0 cos स्क्वायर 5i। यहां पे याद रहे कि मिनिमम इंटेंसिटी में भी जीरो, नेगेटिव यहाँ पे नहीं हो सकता, जीरो इंटेंसिटी होगा, ठीक है, और कोई भी पॉइंट में मैक्सिमम इंटेंसिटी जो पॉसिबल है दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स i0। कोई भी पॉइंट में मैक्सिमम इंटेंसिटी जो पॉसिबल है 4 टाइम्स i0। सो दिस इज एक्चुअली ब्राइट जोन और ये डार्क जोन, ठीक है, तो इसका मतलब 4i0 जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई मैक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो 4i0 आई मैक्स होता है, ये थोड़ा सा याद रखना है, आई मैक्स इंटू कॉस स्क्वायर 5/2। फाई का वैल्यू क्या होता है, थोड़ा दिमाग लगा के, फाई का वैल्यू होता है 2 पाई डेल्टा एक्स बाई लैम्डा बाई टू, तो टू है तो टू बैठाएंगे, अच्छा टू टू कैंसिल हो गया तो ये चीज बच गया, पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स दिस इज डी वाई एन। अच्छा अब आप पाई और डी को लग देते हैं, अगर सॉरी पाई और वाई एन को ऊपर रख देते हैं तो यहाँ पे लैम्डा डी बाई डी को नीचे ला सकते हैं, ठीक है, और लैम्डा डी बाई स्मॉल डी दैट विल गिव बीटा। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4i0 कॉस स्क्वायर पाई वाई एन, देखो ये मैं भी याद नहीं रखता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी लैम्डा बाई स्मॉल डी,
अब बीस लैम्डा बाई स्मॉल टी, दिस इज एक्चुअली बीटा है, दिस इज एक्चुअली फ्रिंज विड्थ है, तो उस तरह से लिखा जा सकता है 4 I0 सो दिस आर ऑल फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी। अब कौन सा कब क्या जरूरत पड़े ये हम लोग को नहीं पता। इंटू कॉस स्क्वायर 5/2, सो दिस इज द फॉर्मूला। अच्छा अब ये फाइव का वैल्यू क्या है, दिस इज एक्चुअली 4 I0 कॉस स्क्वायर। फाइव का वैल्यू क्या है, 2π Δx बाई लैम्डा, लेकिन नीचे एक तो 2 है तो ओके ये हो गया। सो 4 I0 कॉस स्क्वायर ये चीज तो आया पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ओके अब डेल्टा एक्स है पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस हम लोग का ये यहाँ पे क्या होता है, दैट इज 4 I0 कॉस स्क्वायर पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है, डी वाई एन बाई कैपिटल डी ये होता है पाई बाई लैम्डा। अब लैम्डा का वैल्यू क्या दिया है, लैम्डा का वैल्यू दिया है d/100। ओके सो डी बाई ऊपर में हो गया 100 इंटू डी को डी ही रखो वाई एन, वाई एन इक्वल टू d/2 दिया है, सो दिस इज d/2 और कैपिटल डी का वैल्यू दिया है 100 t। ऐसे सब वैल्यू बैठा देना है, ठीक है जो भी बोला इसमें वैल्यू बैठा देना है। तो यहाँ पे देखो डी, ये डी कैंसिल हो गया, ये डी कैंसिल हो गया, ये हंड्रेड कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली यहाँ पे कुछ एंगल बचेगा, तो इट इज कमिंग 4 I0 कॉस स्क्वायर पाई बाई टू। अब कॉस स्क्वायर पाई बाई टू आया तो हम लोग क्या करें, 4 I0 जो जैसे वो हिसाब दिया है उस तरह से आएगा, ठीक है 4 I0 कॉस स्क्वायर पाई बाई टू, सो दैट मीन्स दिस विल गिव यू 0। इसका मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी 0 होगा। तो आप बताइए कि यहाँ पे जो पहुँच रहा है लाइट, तो इसमें दोनों के अंदर में एंगुलर फेज डिफरेंस कितना है, तो हम लोग बोलेंगे ठीक है IP इक्वल टू 4 I0 कॉस स्क्वायर 5/2 ये होना चाहिए। अब ये IP मतलब एट एनी पॉइंट, यहाँ पे कितना मिल रहा है, I0 मिल रहा है, तो ठीक है I0 IP का वैल्यू है I0 इक्वल टू 4 I0 कॉस स्क्वायर 5/2, तो I0 कैंसिल हो गया, दिस विल गिव देखो 1/4 आएगा, तो तुम्हारा कॉस 5/2 इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2, 1/4 उसका रूट 1/2, सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू कॉस 5/3, इसका मतलब 5/2 इक्वल टू पाई बाई थ्री, तो फाई इक्वल टू 2π/3, तो इसका मतलब एंगुलर फेज डिफरेंस कितना है 2π/3। अब एंगुलर फेज डिफरेंस का वैल्यू कितना हो सकता है, एंगुलर फेज डिफरेंस का वैल्यू क्या होता है 2π Δx/λ एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आया है 2π/3, यहाँ पे 2π, इसका मतलब डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू λ/3, दैट इज एटलीस्ट पाथ डिफरेंस यहाँ पे एटलीस्ट λ/3 का तो होना चाहिए।